अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अनस्टिच ड्रेस बाय सना सफिनाज, और ये भी किसी की रिक्वेस्ट पर है स्पेशली। लेट्स सी व्हिच कोड वी हैव एंड हाउ इट इज। अच्छा जी, प्राइस है इसकी 15A, ये कोड है, 3 पीस है, 7290 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और ये देखते हैं कि पिक्चर जैसा कैसा कितना है, क्योंकि सना सफिनाज के सूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद वैसा वाला लुक आता है। अदरवाइज़ जो है इसकी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सना सफिनाज एंड आसिम जोफा 2। सो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ इंक्लूड है। ये है शर्ट का फ्रंट, खद्दर फैब्रिक है ये, और जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, यहाँ पे कोई पैचेस, कोई लेसेस, कुछ भी नहीं है। और जो इसका लुक होता है पिक्चर में, वैसा क्रिएट करने के लिए अच्छी खासी मेहनत और अच्छी खासी कॉस्ट आती है। तो इसका जस्ट सेंटर पैनल यहाँ तक जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके गले में जो है एक चट्टा पट्टी बनेगी, जिसकी पट्टी लगेगी, और उसके बाद फिर कुछ कस्टमाइज टैसल्स बने हुए हैं। गले के ऊपर कुछ लूप्स का भी डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा जी, इसका जो है ओवरऑल इस ड्रेस में बड़ी वैसे डिसअपॉइंटिंग बात है कि ये इतना लैविश ड्रेस दिखाया होता है, बट वो वैसा कुछ भी नहीं होता। इस बॉर्डर के मैक्स 4 इंच बाद तक जो है ये फैब्रिक ले सकते हैं, उसके बाद ये प्लेन इसका बैक है। बैक के ऊपर कोई भी एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं, इसी के साथ ये फ्रंट बैक का पूरा पीस है। उसके बाद जो है ये 4 इंच के बाद, नहीं के तकरीबन 4 इंच के बाद, और आई एम नॉट श्योर कि इसके बैक की लेंथ फिर वैसी इक्वल होगी कि नहीं है, तो जब स्टिच होगा तभी जो है वो पता चलेगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टिच वीडियो शेयर करूं, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके दामन पर चट्टा पट्टी बनेगी 2 शेड्स की, उसके बाद ये वाली लेस है, ड्रेस के साथ इंक्लूड नहीं है, ये भी लेके डाई करानी होगी। स्लिट्स पे इसकी लेस है, ये भी डाई करानी होगी। स्लीव्स के एज पर जो है 2 तरह की लेस है और चट्टा पट्टी है। उसके बाद स्लीव्स हैं इसकी प्रिंटेड, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंटेड स्लीव्स हैं इस तरह से। साइड्स पे इसके ये मोटिव आ रहा है, और एज पे आई थिंक ये मोटिव का रुख कुछ इस तरह ऊपर है या नीचे है। और फिर इसके एज में जो है, अच्छा ये है, सॉरी ये है इसका, ये स्लीव्स का एज है, ये सारा प्रिंट है। इसके बाद फिर 2 तरह की लेसेस और चटापटी जो है लगेगी, तब जाके ये लुक क्रिएट होगा। ये शर्ट हो गई कंप्लीट। उसके बाद इसका ट्राउज़र है। अच्छा, शर्ट का फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, बट ट्राउज़र का जो है इट्स नॉट काइंड ऑफ खद्दर फैब्रिक, ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू भी है, बहुत पतला फैब्रिक है। ये पैंट के हिसाब से इट्स नॉट सूटेबल, और पैंट पे जो लेस लगी हुई है वो भी इंक्लूड नहीं है। तो अब आई एम नॉट श्योर कि कितनी सिमिलर हमें मिलेगी। दामन के सिमिलर तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन ये पैंट वाली आई हैव नॉट सीन येट। ओके, सो ये इसकी पैंट हो गई। और इसके बाद ये है इसका शॉल फैब्रिक का दुपट्टा, कुछ चट्टापट्टी या टाई एंड डाई स्टाइल भी कह सकते हैं, इस तरह के स्टाइल का है दुपट्टा जो है। अच्छा, खूबसूरत है। और दुपट्टे के साइड्स पे ये समोसे जो बने हुए हैं, ये तो खैर ये कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं लग रहे मुझे तो, लेकिन सबकी अपनी पसंद होती है। बट ये कि कुछ ना कुछ इसकी एजिंग करनी पड़ेगी, या तो उसको कोई लेस लगानी होगी या कुछ भी, तब जाके दैट विल लुक कंप्लीट एंड नाइस। तो दुपट्टे का जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ड्रेस का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफ वाइट शेड है, प्लस उसके जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। बट ये है कि जिस तरह से मॉडल ने पहना हुआ है वैसा लुक क्रिएट करना जो है वो इसमें एक तो चार्जेस अच्छे खासे हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी एक एक चीज़ वैसी सर्च करना, देन उसको डाई करवाना, ये पट्टी बनाना, टेलर देन अच्छा खासा चार्ज करता है। तो उस वजह से जो है जितना सिलाई जितनी अच्छी खासी कॉस्ट आ जाती है। दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।